हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में राजनीति तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं, साथ ही स्टार प्रचारकों के नामों का भी ऐलान हो चुका है। इसी बीच हरियाणा के चुनाव में राजस्थान के नेताओं को बीजेपी खूब तवज्जो दे रही है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होने के बाद बीजेपी समेत कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की अपनी सूची जारी की है, जिसमें राजस्थान से दोनों ही पार्टियों ने कई नेताओं को चुनावी ड्यूटी में लगाया है। इनमें वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे तक का नाम शामिल है। ऐसे में सभी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजस्थान के नेताओं को हरियाणा भेजा क्यों जा रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि हरियाणा में भी राजस्थान की ही तरह जाटों का सियासी दबदबा है। कांग्रेस ने जाटों को साधने के लिए जहाँ राजस्थान के अपने लोकप्रिय नेता गोविंद सिंह डोटासरा को आगे किया है, उसी तरह बीजेपी में 37 पूनिया जाटों को लुभाने के लिए आगे आए हैं। इसके साथ ही भजनलाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा है और हरियाणा के पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। हरियाणा में ब्राह्मणों की आबादी करीब 10% है। इसी तरह बीजेपी ने दलितों को साधने के लिए अर्जुन राम मेघवाल को आगे किया है। हरियाणा में दलितों के लिए 17 सीट रिजर्व है। गुज्जर और युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने सचिन पायलट की ड्यूटी लगाई है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब सभी राजनीतिक दल चुनाव को लेकर प्रचार में लगे हुए हैं। प्रचार के बाद अब 5 अक्टूबर को मतदान करवाए जाएंगे, जिसके नतीजों को 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में राजस्थान के नेताओं के आने से बीजेपी कांग्रेस में से किसको फायदा मिलने वाला है, साथ ही चुनाव के नतीजों में कौन बाजी मारने वाला है।